हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आपको दिखाई भी पड़ रही है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं और इनके बारे में एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूंगा। ऐसे सारे लोग जो बहुत ही दिन से इंतज़ार कर रहे हैं UP SSSC के माध्यम से निकलने वाली जो वैकेंसीज हैं उसका, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी कह सकता हूं मैं। और बहुत ही उनका इंतज़ार ख़त्म होने की जो लगभग लगभग जो कंडीशंस है वो भी सामने क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, मंडी समिति और इस तरीके से तमाम प्रकार की जो UP SSSC के द्वारा जो ये परीक्षाएँ ली जाती हैं, ये भर्ती परीक्षाएं जो हैं इसके लिए लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। और अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उससे एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ आपके सामने यहाँ पर आया है। तो यहाँ दोस्तों, वो क्या फेज़ है, क्या चीज़ है, क्या हम लोगों को यहाँ पर जानना है। UP SSSC जो है वो NRA में शामिल हो रहा है। CET में UP SSSC की कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल होंगी, इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि ये जो सफलता बैच है जो UP SSSC UPSC PCS को लेकर के यहाँ पर चलाया जा रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना नाम और नाम के बाद नीचे लिखना है UP PCS 2020। इतना लिख करके मुझे WhatsApp कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा और आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन जो है और नोटिफिकेशन जो है और जो भी कुछ स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको जरूर जुड़ जाइए इनसे। ये बैच 50 डेज में लगभग 3-4 घंटे डेली की यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें देनी थी उसके बारे में बताता हूँ आपको। दोस्तों, UP SSSC की तरफ से जो यहाँ पर जो अराजपत्रित पदों के लिए जो वैकेंसीज निकलती थी, अराजपत्रित पद का मतलब यहाँ पर हो गया, अराजपत्रित पद का यहाँ पर मतलब हो गया जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स की जो पोस्ट निकलती है, नॉन गेजेटेड पोस्ट जो होती हैं उनके लिए। आपको मालूम है कि भर्ती के लिए केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, एक योजना है जिसको हम कह सकते हैं एक भर्ती एक एजेंसी योजना। और कुछ ही दिन पहले मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर CET के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप NRA के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा आपको, ठीक है। तो ये अपनाने की तैयारी कर रहा है। अभी तक आपको मैं बता दूं कि CET में 3 परीक्षाओं को रखने की पहल करने की बात करी गई थी और वो कौन कौन से थे, SSC, RRB, RRB कौन सा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, बैंक वाला नहीं, और बैंक के लिए IBPS। तो ये 3 संस्थाओं को इसके अंतर्गत इनकी परीक्षाओं को लेकर के आया जा रहा था, लेकिन यूपी जो है ये पहला राज्य बन गया एक तरीके से जो इसमें शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब आगे आने वाले जो भी अराजपत्रित पद होंगे वो इसी के माध्यम से कराए जाएंगे। समूह गा की जो भर्तियां होती हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी VDO जिसको बोलते हैं, और लेखपाल जैसे जो पद अवेटिंग है बहुत ज्यादा तेजी से, उन सब का एग्जामिनेशन अब यहां से होगा। अब देखिए, ये सब भर्ती प्रक्रियाओं में बहुत बहुत ज्यादा समय लगा करता था, बहुत ही ज्यादा लेंथी प्रोसेस हुआ करता था, इनका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था नोटिफिकेशंस लाने और इन सब चीजों को करने में, राज्य सरकार को काफी समय लगता था। तो राज्य सरकार के लिए अब ये जो CET है इसके कराने से बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। NRA वगैरह जो है इसके माध्यम से CET का जो एग्जामिनेशन होगा उसको कराने में बड़ी आसानी होगी। कैसे होगा जरा देखते हैं। केंद्र सरकार की नई भर्ती प्रणाली के ऐलान से UP SSSC की जो मुश्किलें हैं वो अब आसान हो जाएंगी, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा। और किस प्रकार से मुश्किलें आसान होने वाली जरा उसको भी देखते हैं। भर्ती के बारे में आयोग जो UP SSSC जो आयोग है उसके उनके एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि समूह घा की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें जो भी इच्छित अभ्यर्थी हैं, जो भी विद्यार्थी जो है अपना जो इसमें अपियर होना चाहते हैं, उनको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA की परीक्षा में शामिल होना है और उससे CET की जो परीक्षा है वो क्वालिफाई करनी है। एक बार CET की परीक्षा क्वालिफाई कर देते हैं, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल जाता है और उस सर्टिफिकेट की सहायता से अब आपको किसी भी प्रीलिम एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपने एक तरीके से CET का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप प्रीलिम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपको केवल और केवल आयोग के द्वारा मेंस की परीक्षा में ही आयोजित होना है, अपियर होना है और अपियर होने के बाद आपको
बड़ा ही आसान हो जाएगा किसी भी आयोग के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा ही आयोग हो जाए, बड़ा ही सरल हो जाएगा कि उसे अब केवल मेंस की एग्जामिनेशन कराने पड़ेंगे और मेंस में केवल उतने लोगों को ही वो क्वालिफाई कर लेंगे आराम से, जितना उनके पास में, जो भी उनके पास में रिक्रूटमेंट के जो वैकेंसीज होंगी उस वैकेंसीज के रेशियो में यहाँ पर आराम से ये परीक्षा करवाएंगे मेंस की और लोगों का चयन कर लेंगे। यानी एजेंसी, इस एजेंसी के कारण आयोग को केवल आसानी हो जाएगी, कब उसे कई सारे चरण जो हैं उनसे नहीं गुजरना पड़ेगा, बस केवल मेंस की परीक्षा कराएंगे और सीधे सिलेक्शन करा लेंगे, ठीक है। और एक बार में कई सारे, अब एक और बात है कि प्रीलिम के लिए आपको, एटलीस्ट प्रीलिम के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कोशिश करी जाएगी कि सीईटी के जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपके संबंधित जिले में ही हो। ये भी यहाँ पर बड़ी बात है कि सीईटी की परीक्षा के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो सारी जानकारी थी, ये सारी जानकारी मैंने जो है आपको इसका जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन, जो एक छोटा सा आपको न्यूज़पेपर में जो ये सारी चीज़ें आई हैं, अलग से नहीं, न्यूज़पेपर में जो सारी चीज़ें आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अमर उजाला के सौजन्य से, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पर पूरा न्यूज़ को यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी या अब इससे फ़ायदा ज़रूर होगा, जितने भी लोग तैयारी में शिथिलता लेकर के आ चुके हैं वे तैयारी में तेज़ी ले आएँ। तेजी लाने के लिए आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पीएससी की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए एटलीस्ट एक व्यक्ति को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इतनी हमारी आपसे गुजारिश है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें हमारी समझ में आई होंगी और आप इस न्यूज का एंजॉय करेंगे। आगे इसी प्रकार से नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़ें। थैंक यू, जय हिंद।